हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अन अकेडमी एंड वेलकम टू गेट अकेडमी यूट्यूब चैनल। मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जितने लोग भी यहां पर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारे ही सारे स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैंने यहां पर थंबनेल में रखा हुआ शॉकिंग डेटा, क्योंकि जब मैं डेटा एनालिसिस किया तो मेरे को समझ आया कि भाई ये तो 2023 जो है वो बहुत ही जबरदस्त गेट एस्पिरेंट के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि टाइम देखिए अभी, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि सर मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा, कुछ लोग गिव अप की तरफ सोचेंगे, कुछ लोग सोचेंगे भाई छोड़ दिया जाए क्या, अगले बार किया जाए क्या। छोड़ना नहीं है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक होप है बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट मारने की। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, GA1111 ये कोड है गेट अकेडमी की टीम से गाइडेंस। साथ ही साथ में हम लोग हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डीपीपीएस की बात करूं, अगर मैं बात करूं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की, अगर मैं बात करूं आपके पास एक डाउट क्लियरिंग सेशंस की और टीम के साथ में प्रिपरेशन की, तो जैसे हमेशा याद रखिएगा किसी भी एस्पिरेंट को एक गाइडेंस की प्रॉपर जरूरत होती है, तो टीम गेट अकेडमी आपके साथ है गाइडेंस देने के लिए। तो जस्ट मैं बताया GA111 के बारे में, और मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बुनियाद अगर 2025 की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तब की बात करूं, या फिर आप 24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो शॉकिंग डेटा है वहां पर मैं लेके चलूंगा और एनालिसिस बताऊंगा। बट मैं बता दूं कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और धांडे सर ने क्लासेस स्टार्ट की है लाइव। आप यूज कर सकते हैं ये कोड GA1111, और अभी इस कोड को इस्तेमाल करने से आपको 10% का सीधे सीधे बेनिफिट होने वाला है, चाहे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लें गेट ESE या फिर किसी भी का, तो यूज करिएगा यही कोड, दैट इज GA1111। और अगर किसी को किसी भी प्रकार की क्वेरी है सो यू कैन डायल अस, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और मैं बता दूं अगर आप गेट अकेडमी लाइव अन अकेडमी में पढ़ना चाहते हैं गेट अकेडमी टीम से, तो मैं बता दूं कि भाई गेट अकेडमी के सारे एजुकेटर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। वहां पर 15 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपको मिलने वाला है क्या 5499 में, और अगर सेल्फ स्टडी रिकॉर्डेड कोर्स आप लेना चाहते हैं तो 5499, और अगर इंग्लिश में आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 3999 में आपको कोर्स मिल जाएगा, जाकर के आप ले सकते हैं। बट मैं लेकर के आता हूं शॉकिंग डेटा, और वो शॉकिंग डेटा है क्या और कैसे जब मैंने इसको एनालाइज किया, देखो समझना, एनालिसिस जब मैंने किया तब मैंने पाया कि बॉस यहां तो है मतलब वो चीज जो आप लोगों की मेरे, समझिएगा मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया वो अगर मैं नहीं बताया तो मतलब नहीं निकलेगा बॉस, ठीक है। तो समझिए, अभी देखिएगा ध्यान से, एकदम क्लियर कट बता दूं, 2024 अभी तो 23 चालू हुआ, 2024 क्या है सर, 2024 में है इलेक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, जितने भी डिफरेंट पीएसयूज होंगे, जितने भी इधर के ऑर्गेनाइज, आज को आपको अचानक से ऑर्गेनाइजेशन कभी दिखेगा सर ये वाले ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी, सर ये वाले ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी, चाहे वो AAI हो, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो गेल हो, काफी सारी वैकेंसी क्यों दिखेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेटेड है सारी चीजें बॉस 2024 से। तो 23 आपके लिए गोल्डन टाइम है इसलिए। और मैं बता दूं, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं ब्रांचेस में, तो सिविल में देखो ध्यान से भाई, 22 में इतने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था बट इतने स्टूडेंट अपीयर्ड हुए थे, और जो कैंडिडेट क्वालिफाई करे थे, जितने क्वालिफाई किए थे, बता दूं ये क्वालिफाइंग डेटा हमारे पास है। बट अब की केस में 13 यहां पर देखो 13 है ना, 1,36,000 से सीधे सीधे लगभग 1,04,000 के आसपास डिक्रीमेंट हुआ। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप भीड़ एक समझिएगा, काफी सारे जो लोग प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं उसमें सीरियस जो सिंसियरली प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट है, लास्ट मोमेंट में गिव अप मारने वाले बच्चे की संख्या काफी ज्यादा होगी। उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं कि बॉस गिव अप मत मारना, क्योंकि अगर तुम लास्ट तक डटे रहे, ठीक है, तो देखो तुम्हारी फाइट ना एक्चुअली इन लोगों के साथ है। तुम इधर का डेटा छोड़ दो ना, तुम ये डेटा छोड़ दो कि सर 1,04,000 लोगों ने फॉर्म भरा सिविल में, नहीं, तुम ये देखो कि तुम्हारा, अब इसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो इसको अगर ध्यान में रखते हुए जो मेरा एनालिसिस है, वो मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि बॉस तुम्हारी फाइट जो है वो लगभग 12,000 बच्चों के साथ है, और उसमें भी अब अगर मैं टॉप लेवल पे गेम खेलूंगा
तो यार क्विट करने वाले भी काफी सारे हैं, उनमें से जो अभी ना निराश हो गए हैं बट वो पेपर में जाकर जस्ट क्वालिफाइंग मार्क ले आएंगे, बट अगर वो अभी लग गए और ये 24-25 दिन वो रिविजन टेस्ट में जूझ गए, 16-17 घंटे पढ़ गए, तो उनके लिए साल 2023 का जो गेट का रिजल्ट आएगा वो गोल्डन टिकट लेकर आएगा, जैसे वो वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है ना वैसा। और देखो ध्यान से, मैकेनिकल में भी गेम जो है इस बार चेंज हुआ है बॉस। रजिस्टर्ड स्टूडेंट, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि लाख से कम रजिस्टर्ड स्टूडेंट हमारे पास दिख रहे हैं मैकेनिकल में। तो यहां पर भी जो क्वालिफाइंग करने वाले बच्चे होंगे वो भीड़ कम है, अभी मौका है, एफर्ट मारो, एक ही पेपर है। इस बार तो नॉर्मलाइजेशन वाला भी पंगा खत्म है तुम्हारे साथ में दोस्त, कि ये पेपर टफ, ये पेपर, पेपर वन, पेपर टू, कोई मिसकंसेप्शन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं, कोई वहां पर फॉर्मूला नहीं, नथिंग इज देयर, मौका ही मौका, मारो चौका। ध्यान से देखिएगा, सीएससी में अगर मैं बात कर रहा हूं तो अगेन ये डेटा देखो ध्यान से, ये कैंडिडेट रजिस्टर्ड डेटा देखो ध्यान से भाई, इतना डिक्रीमेंट हुआ, 12,000 लोग। इस बार जो कंपटीशन होगा वो लगभग 8,000 लोगों के बीच का कंपटीशन है जो क्वालिफाइंग खेलने वाले हैं, उनमें तुमको खेल जाना है कि क्वालिफाइंग से थोड़ा और पुश कर लो, ये 25 दिन 26 दिन और एफर्ट मार लो, थोड़ा सा पुश करो ना दोस्त, ये 2023 गोल्डन टिकट देगा तुमको। स्पेशली अगर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल के लिए, देखो ध्यान से, 96 में 69 लोग अगर पियर होते हैं बॉस, तो 69 में कितने आप पियर होंगे, और अगर 12,000 वहां क्वालिफाई होते हैं तो 69 में पेपर लिख करके 12,000 क्वालिफाई, तो 69 में पेपर लिखने वालों की संख्या और उनमें फिर क्वालिफाइंग की संख्या। अगेन कॉम्पिटिशन अभी इस लेवल पे है कि तुम अगर थोड़ा सा और अपने आप को पुश करो, जो लोग गिव अप मारने के बारे में सोच रहे हैं बिल्कुल भी नहीं सोचना दोस्त ऐसा, ये मैं लिटरली मैं बता रहा हूं, और इसलिए मैं बोल रहा हूं, देखो 23 की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं और जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं वो तो और एफर्ट मारो भाई, वो और एफर्ट मारो, क्यों, कोई पेपर वन पेपर टू वाला चक्कर नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही पेपर में जुझारू रूप से लग जाना। जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक मैकेनिकल का पेपर काफी ज्यादा टफ आ गया था, अजीब अजीब सवाल आ गए थे, बच्चे वहां परेशान, डिमोटिवेट हो गए कुछ लोग क्वेश्चन देखकर ही डिमोटिवेट हो गए कि सर हे प्रभु ये कैसा हो गया, गेम हो गया हमारे साथ में। वो सारे लोग ना निश्चिंत रहो अब, क्योंकि अब तुम्हारे मन में कोई डाइसी सिचुएशन नहीं है, कुछ भी तुम्हारे मन में अब एक कॉन्फ्लिक्शन नहीं होगा कि हे प्रभु मेरा पेपर इजी करना या मुझे, कुछ भी दिमाग में एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। ध्यान से देखिएगा, ये जो डेटा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ये डेटा के बेसिस पे जब मैंने एनालाइज किया, और मैं सिर्फ दो चीजों पे फोकस किया हूं, मैंने दो चीजों पे फोकस किया, अपीयर्ड कितने, क्वालिफाइड कितने, रजिस्टर्ड के साथ अब अपीयर्ड, तो जो मेरा हिसाब किताब बोलता है, जो मैं मैथमेटिक्स वाला हूं, डेटा और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर काफी ज्यादा खेलता हूं, तो मैं एज अ डेटा एनालिस्ट अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा ना, और अगर मैं आने वाले वैकेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा ना, तो तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये गेट का एग्जाम, ये गेट का एग्जाम तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। और इसमें डीमोटिवेशन नहीं रखना है मन के अंदर, क्योंकि तुम फॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिए हो, या तो फॉर्म फिल कर चुके हो, प्रिपरेशन कर रहे हो या क्विट करने के बारे में सोचोगे नेक्स्ट टाइम, नहीं भाई इसी बार ही एफर्ट मार लो मैक्सिमम जितना हो सकता है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरे 6 ही सब्जेक्ट हुए हैं, उन 6 सब्जेक्ट के साथ मैं क्या करूंगा। दोस्त सुन ध्यान से, अगर वो 6 सब्जेक्ट को ही तो बार बार रिविजन और टेस्ट के साथ में खेल गया ना, तो भी तो एक गुड सिचुएशन में आ जाएगा, किसी, मैं लिटरली बिलीव मी, मैं ऐसे ऐसे केसेस देखा हूं, यहां पे 2,500 रैंक लाने वाले बच्चे की समझना, IIIT बैंगलोर में वो चले जाती है लड़की, लगभग 2,000 कुछ रैंक उसका होता है और वहां से पैकेज लेकर के निकलती है 30 लाख रुपए का। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मेरे को बोले हैं लास्ट मोमेंट में कि सर मुझसे ना हो पाएगा, गिव अप मारने का मैं सोच रहा हूं, 4 जनवरी 6 जनवरी 10 जनवरी तक मेरे पास कॉल आते हैं कि सर बस सर नहीं हो पा रहा सर, टेस्ट में सर 15 नंबर नहीं आ पा रहे सर, गेट के एग्जाम की तो बात ही छोड़ दो। और हर बार मैं उन लोगों को सजेशन दिया हूं कि भाई पुश कर ले, थोड़ा सा और एफर्ट दे दे, ये जो 16 घंटे तू पढ़ रहा था ना, ये जाया नहीं जाएगा, ये तेरा ना खराब नहीं होगा, रिजल्ट तेरे को मिलेगा,
याद रखिएगा कि तूफानों से डरकर कश्ती पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मेरा डेटा ये बोल रहा है कि आपके लिए तो गोल्डन टिकट देगा ये गेट 2023, आपके हाथ में गोल्डन टिकट पकड़ाएगा। जो भी बच्चा इस वाले वीडियो को देख करके थोड़ा सा भी सोचेगा कि सर हाँ सर मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर ने गुरुजी ने तो कुछ बोला है डेटा के बेस पर पे, भविष्यवाणी कर रहा हूं डेटा के बेस पर पे कि तुम्हारे पास PSU से लेकर के IIT से लेकर के काफी सारी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास दरवाजा नॉक करने वाली है अगर तुम ये एफर्ट मार गए लास्ट में रिविजन टेस्ट को कॉम्बिनेशन में कैसा खेलना है, ये भी मैंने ना कल के 10:30 बजे वाले वीडियो में बताया था। और आज 10:30 बजे अगर ये वीडियो आज आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक और वीडियो में लेकर के आ रहा हूं जिसमें IIT कानपुर का पूरा मैंने डेटा एनालिसिस कर लिया। मैं बैठ के यही कर रहा हूं, देखो मेरी प्लस की क्लास खत्म हो गई अनअकैडमी पे, मेरी प्लस की 2023 का जो मेरा कमिटमेंट था खत्म, मेरे CS का 2023 का कमिटमेंट खत्म हो गया, अब 2024 का कमिटमेंट तो अभी बाद में चालू होगा। तो मैं पूरा डेटा एनालिसिस कर रहा हूं, बैठ रहा हूं कॉपी किताब लेके और मैथ्स लगा रहा हूं, गणित लगा रहा हूं, डेटा एनालिसिस कर रहा हूं बैठ के। तो आपको भी मैं यही कहूंगा, डेटा शॉकिंग है, फायदा स्टूडेंट का है। हो सकता है कि कुछ कोचिंग सेंटर, कुछ पढ़ाने वाले लोगों को, कुछ ऐसे लोगों को जिनको ऑलरेडी पहले से ही डिमोटिवेशन है, वो और थोड़ा सा डिमोटिवेट हो, बट स्टूडेंट के लिए ये बिग मोटिवेशन है। 24 में इलेक्शन है, समझो बात को, अपॉर्चुनिटीज ये साल लेकर के आएगा 2023। नॉक चालू हो चुका है, BSNL ने थोड़ा सा बताया कि भाई हम रूल चेंज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रिक्रूटमेंट होगा, इतनी पोस्ट है। देखो डेटा बताया उसने समझना, पोस्ट बताई उसने समझना, ये इंडिकेशन होता है, छोटी छोटी चीजें इंडिकेट करती हैं। ये ऐसा नहीं है कि पोस्ट आ गई चलो जी जाए। गेल का आखिर आया ना, नोटिफिकेशन आया ना, भले वो एक्सपीरियंस बोले, भले वो छोटी छोटी चीजों में चेंजेस बताएं, बट आपको ये छोटी छोटी चीजों को इंडिकेट करना है, इस इंडिकेशन से समझना है, सीखना है, याद रखिएगा। और अगर आप 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डोंट वरी फॉर एनीथिंग, हम लोग उड़ान बैच लेकर के आ गए हैं, आपको मैंने कोड बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, वो यूज करके आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बेहतरीन मैं बता दूं कि काफ़ी सारी पोस्ट केमिकल के लिए भी अभी दिख रही थी, अभी भी आई थी, और इतने सारे जो ऑयल इंडस्ट्री में अभी इतने सारे मेरे लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ है, आगे भी 24 के पहले बहुत सारा रिक्रूटमेंट आएगा। अरे किसको फायदा होगा दोस्त, आप लोगों को, एफर्ट मारते रहो, एफर्ट में कमी नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।